हेलो एवरीवन, ये स्टोरी का एपिसोड 9 है, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि यांडर और फेफे दोनों जनरल चू को बुलाकर कहती है, तुम बिल्कुल एक बॉय की तरह रेडी होती हो। तो ये सुनकर जनरल चू गुस्सा होती है, तो वो दोनों कहती है, तुम अपना चेहरा जरा आईने में तो देखो, बिल्कुल एक बॉय की तरह दिखती हो। फिर जनरल चू वुचेन को बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा भाव खाती है। वो कहती है, तुम्हें बात करनी है तो करो वरना मैं जाती हूँ। तो वुचेन कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, और वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जनरल चू की नज़र एक हेयर पिन पर जाती है। वुचेन फटाफट से वो पिन बाय कर और वो दोनों बात शुरू ही करने वाले थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और कहता है, कुछ लोग लोगों को मार रहे हैं और हमें जल्दी से जाना होगा उन लोगों को बचाने के लिए। यहाँ पर जनरल चू वुचेन को भी कहती है साथ आने को। दूसरी तरफ फेफे अकेली थी, तो वो महल के पीछे वाली जगह पर चली जाती है और उस बूढ़े आदमी और छोटी बच्ची को बुलाने लगती है। दूसरी तरफ जनरल चू और वुचेन दोनों ने मिलकर उन लोगों को धो डाला था, लेकिन धोते समय उन दोनों को चोट लग जाती है, जिस पर जनरल चू नॉर्मल रिएक्ट करती है, लेकिन वुचेन बच्चों की तरह रोने लगता है। दूसरी तरफ फेफे उस बूढ़े आदमी को कहती है, आफ्यूका के पास कौन कौन सी पावर होती है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, आप हमारी महारानी है और आपकी ही पावर से हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। और ये भी कहता है, हम लोगों के पास ऐसी पावर है कि हम किसी भी इंसान की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उस पावर को हम अलग अलग पावरों के साथ मिलाकर एक नई पावर बना सकते हैं, इसलिए हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। और हाँ, हमारे पास एक बड़ी पावर है जो सबसे खास है, चोट को हील करने वाली पावर। फेफे कहती है, मेरे पास तो ऐसी कोई भी पावर नहीं है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारे पास पावर तो है, लेकिन उस पावर को कंट्रोल और कैसे पावर इस्तेमाल करनी है वो सिखाने वाला कोई आदमी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास जो पावर होती है वो अचानक अपने आप ही गायब हो जाती है। तो फेफे कहती है, मैं अपनी पावर का यूज कर सकती हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ तुम कर सकती हो। दूसरी तरफ हम यानरेन को देखते हैं, जो कि अनविजिबल होकर दीवार पर बैठी थी और छुप छुप के लॉर्ड चेन को बात लेते हुए देख रही थी। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी फेफे का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर लगी चोट हील कर देता है। तो फेफे भी ट्राई करती है वो अपनी दूसरे हाथ की चोट को ठीक करने के लिए, लेकिन वो हील तो नहीं होती बल्कि बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, शायद तुमने तुम्हारी पावर किसी और को दे दी होगी, जिस वजह से तुम अपनी चोट को हील नहीं कर पा रही हो। यानरेन की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर फेफे आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो विजिबल होने लगती है। यानरेन डर जाती है, और ये सब फेफे की वजह से हो रहा था क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच चुकी थी। और ये आवाज सुनकर वहाँ पर कौन है ये लॉर्ड चेन कहता है। तो यानरेन वहाँ से फटाफट से भाग जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, और फेफे भी वहीं पर खड़ी थी। तभी वहाँ पर लॉर्ड चेन आते हैं और वो फेफे को देख लेते हैं। तो फेफे हाई कहकर जा रही थी, तो लॉर्ड चेन कहता है, तुम्हें पछतावा हो रहा है ना, मैं भी तुम्हारे लिए अफसोस कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें एम्प्लॉय के महल में क्यों भेजा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो। ये सब कुछ यानरेन पेट के पीछे छुप कर सब कुछ सुन रही थी। लॉर्ड चेन कुछ ऐसा करने ही वाला होता है, तभी यानराव को अच्छा नहीं लगता और वहाँ से भाग जाती है। तो फेफे भी उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ टेंग एम्प्लॉय के पास जाता है और कहता है, यानरेन और फेफे दोनों अभी तक महल वापस नहीं लौटी है। तो एम्प्लॉय कहता है, वो बच्ची नहीं है, वो आ जाएंगी बहुत जल्दी, और कहता है, जल्दी सभी राजाओं की बैठक बुलाओ, मुझे उन लोगों से कुछ बात करनी है। सभी राजा आ जाते हैं। लॉर्ड चेन शुरू करता है, वो कहता है, राजा का फर्ज होता है ऑफिकस लोगों से बचाने का, और ऑफिकस के लोग ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सीट हटा देनी चाहिए, मतलब वहाँ पर सभी राजा थे और वहाँ पर एक ऑफिकस भी राजा था जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसीलिए उसकी सीट हटाने के लिए वो लोग वोटिंग करते हैं। 6 वोट होते हैं ऑफिकस की सीट हटाने के लिए, और 5 लोग वोट करते हैं कि ऑफिकस की सीट ना हटी जाए, जिस पर लॉर्ड चेन जीत जाता है और वो ऑफिकस की सीट हटा देता है। दूसरी तरफ जब यानरेन के पीछे भाग रही थी, तब वो यानरेन कहकर चिल्ला रही थी। एक मेड ये सुनकर उस पर चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें यानरेन को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, वो आगे जाकर हमारी
रानी बनने वाली है और अभी यनरन घर पर नहीं है। तो फेफे कहती है जब वो आए तो उसे बता देना कि मैं उससे मिलने आई थी। दूसरी तरफ लॉर्ड चेन कहता है पिछले कंपटीशन में हमने 5-5 का कंपटीशन रखा था, लेकिन इस बार मेंबर कम होने की वजह से हम 4 साइन है तो इस बार 2 पार्टीज बनेगी और यहाँ पर दोबारा से वोटिंग होती है ये कंपटीशन होना चाहिए या नहीं। वोटिंग हो जाती है लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आता क्योंकि वहाँ पर एक मेंबर कम था जो कि यनरन थी। तो सब लोग डिसाइड करते हैं जब यनरन आएगी तब हम उसका फैसला सुन लेंगे कि वो क्या चाहती है और यनरन का फैसला आखिरी फैसला होगा। फिर इम्प्रॉय अपने रूम में होता है तभी पीछे से बिलियन आकर उसे हक कर लेती है, जिस पर इम्प्रॉय को लगता है कि शायद फेफे है और फेफे समझ कर कहता है बिलियन को फेफे तुम बिना परमिशन के मेरे कमरे में क्यों आई। लेकिन इम्प्रॉय बिलियन की आवाज़ सुनकर उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बिलियन कहती है आपकी ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पर भेजा था और फिर बिलियन ये कहकर इम्प्रॉय का हाथ पकड़ लेती है लेकिन इस बार इम्प्रॉय उसका हाथ झटक देता है, जिस पर बिलियन गुस्सा होकर कहती है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। और गुस्से में बिलियन ये भी कह देती है कि ऐसा क्या है फेफे में जो मेरे में नहीं है। और ये सुनकर इम्प्रॉय गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। और वहीं पर ही फेफे आ रही थी, ये देखकर बिलियन इम्प्रॉय को गले लग जाती है और कहती है मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। पीछे से फेफे ये सब देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और फेफे को लगता है कि इम्प्रॉय जानबूझकर बिलियन को गले लगा रहा है और ये सब देखकर फेफे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर इम्प्रॉय उसे पीछे करता है और बिलियन भी घुटने के बल बैठ जाती है और कहती है आगे से मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगी। और इम्प्रॉय कहता है अगर तुमने ये गलती फिर से दोहराई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फेफे काफी गुस्सा होकर बैठी होती है और कहती है इम्प्रॉय की हिम्मत कैसे हुई बिलियन को गले लगाने की। फेफे कहती है ये सारे के सारे राजा एक जैसे ही होते हैं। तभी वहाँ पर टैंक आता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है राजा काफी अच्छे होते हैं। और टैंक कहता है तुम भाई की काफी चिंता करती हो इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। जिस पर फेफे कहती है मुझे यनरन कहीं पर भी नहीं मिल रही। जिस पर टैंक कहता है मैं अभी जाकर ये बात भाई को बताता हूँ। दूसरी तरफ लॉर्ड चेन एक कछुए को देखकर कहता है तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती। यहाँ पर वो फेफे को कह रहा होता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड चेन आता है और कहता है यनरन सुबह से नहीं मिल रही। इम्प्रॉय और उसके सभी साथी जंगल में जाते हैं यनरन को ढूंढने। तभी गलती से इम्प्रॉय से फेफे का जो किचन है वो गिर जाता है। तो फेफे कहती है ये तो मेरा किचन है और उससे मांगने लगती है। तभी वहाँ पर लॉर्ड चेन आ जाते हैं और उसके साथी आ जाते हैं यनरन को ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से फेफे सब कुछ भूल जाती है और चुप हो जाती है। तो लॉर्ड चेन कहता है हमें जल्द से जल्द यनरन को ढूंढना होगा क्योंकि बहुत अंधेरा होने वाला है। तभी वो लोग दो दो की टीम बनाकर जंगल में चले जाते हैं। लास्ट में वो लोग 4 बचे होते हैं। तो फेफे कहती है मैं टैंक के साथ चली जाती हूँ। तो जिस पर टैंक खुश तो होता है लेकिन जब इम्प्रॉय की तरफ देखता है तो कहता है मैं अपनी परछाई बना सकता हूँ तो मैं उसके साथ ही चला जाऊंगा। और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो 3 ही बचे होते हैं, जिस पर फेफे कहती है हमें ग्रुप में काम करना होगा। तो इम्प्रॉय और लॉर्ड चेन दोनों फेफे का हाथ पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी फेफे अपना हाथ ऊपर उठाकर कहती है लेट्स गो और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सीन चेंज होता है और हम यनरन को देखते हैं जो कि वो अपने रूम में ही होती है क्योंकि उसकी मेड ने काफी झूठ बोला होता है कि यनरन महल में नहीं है और उसने यनरन को भी नहीं कहा होता है कि फेफे उसे ढूंढ रही थी। काफी अंधेरा हो जाता है और वो सब लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो इम्प्रॉय कहता है लास्ट टाइम लुओ और यनरन तुम्हारे महल में आए थे। तो फेफे कहती है तुम तो काफी समझदार हो। तो लॉर्ड चेन गुस्से से कहता है तो इसमें तुम्हारी भी गलती हुई क्योंकि तुम्हें यनरन का ध्यान रखना चाहिए था, वो तुम्हारी आगे जाकर वाइफ बनने वाली है। और गाइस जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे के एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि जब फेफे को पावर इस्तेमाल करना आ जाएगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगी और सबको पता चलेगा कि फेफे एक अफ्रीकास से है तो क्या होगा। और ये देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।